नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एन की नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो यार? तो दोस्तों, आज है जो उस दिन हमारी बाई की बहन दादी हमारी ख़त्म हो गई थी, तो उन्हीं का है आज दिन। और दिन के दिन हमारे यहाँ ये किया जाता है कि पूरे ही घर को मतलब दुख वाली टाल करी जाती है, गोबर से लिपाई की जाती है, डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं बनाना है और सीधे बस घर को शुद्ध करते आना है गोबर से लीपते हुए। तो कल तो बारिश हो गई थी तो आंगन का कुछ भी नहीं करेंगे, कमरे कमरे का ही कर लेंगे और अंदर से शुरू करके बाहर की तरफ जाता है। तो हमारे यहाँ ना यही बुरा माना जाता है, मतलब कि हमारे यहाँ बाहर की तरफ लक्ष्मी को लेकर नहीं जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा करना पड़ेगा, घर के अंदर से कचरा निकाल के और बाहर करना पड़ेगा। वरना आपने हमेशा देखा होगा कि हम लोग बाहर झाड़ू जो लगाते हैं उसका कचरा बाहर फेंकते हैं और अंदर जो लगाते हैं और उसको अंदर ही की तरफ उठा के फेंक देते हैं, बाहर की तरफ लेके नहीं जाते हैं। तो इस कारण से ही हमारे यहाँ ना इस तरीके से झाड़ू लगाई जाती है, बुरा माना जाता है हमारे यहाँ। घर तो हमेशा ही मेरा बिगड़ा ही रहता है। यहाँ पे आस्था अभी उठी है, बिल्कुल अभी। मैं बड़ा अच्छा लग रहा है अब उठ के, 8 बजे उठ के। बाल हाल देखो कैसे रखे। बच जा। और करते हैं पूरे घर की सफाई। और तो हमारे घर के सभी सदस्य काम में लग चुके हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो रही है, सामने आप देख ही रहे होंगे। हाथ उठा रही है गोबर। पढ़ाई नहीं करोगी तो मिलेगा यही काम, देख लो पसंद आ रहा है काम। और इधर ये भी लग रखे हैं एकदम तावा तोड़ गुम्मा ढोने में। ये देखिए, इधर आस्था हमारी गोबर उठा रही है, गीला गीला गोबर उधर से सामने से देख आ रही है कोई औरत। ये गोबर हमारे यहाँ सामने में बहुत सारी गायें बैठती हैं, ये सारा देखिए गोबर ही डला है, लेकिन ये 2-3 दिन। तो दोस्तों, यहाँ पे आस्था ले आई है गोबर और आस्था के पापा भी चले गए हैं किसी काम से बाहर। काम से नहीं, यही होना है आज के दिन, वो भी टकले वगैरह होंगे। अब दोस्तों इधर पे कर रही है मम्मी लिपाई। मतलब हिंदू धर्म में तो यही होता है ना कि बालाल मुड़वाने पड़ते हैं आपको, तो वो वहाँ गए हैं। हमारे यहाँ चंखरी में जाया जाता है तो आस्था के पापा वहाँ गए हैं और मैं यहाँ पे घर की सफाई कर रही हूँ। वो भी अपना वहाँ से शुद्धिकरण होके आएंगे और इधर हम अपने घर का शुद्धिकरण कर रहे हैं औरतें सभी। और उसके बाद सभी औरतें जाएंगी नल पे नहाने, मैं नहीं जाऊंगी नल पे नहाने और क्योंकि मेरी स्थिति सही नहीं है ना, तो मैं नल पे नहीं जाऊंगी नहाने और मैं अपने दरवाजे के बाहर ही नहा के अंदर आऊंगी। तो सभी औरतों का काम यही है कि सुबह सुबह से सारा पूरा घर साफ करो और अगर कुछ भी रात का बचा हो, चाहे सुबह का ही खाना बचा हो, तो वो आप फिर शुद्धिकरण के बाद नहीं खाओगे, वो गाय को या तो डालो ऐसे कुछ। इसलिए यहाँ पे मैंने आस्था के पापा से बोला भी कि कुछ नाश्ता बना देती हूँ, लेकिन वो बोले कि यहाँ रहने दो, फ्रिज में तरबूज वगैरह रखे थे तो वो ही हमने नाश्ता कर लिया है। और वो चले गए चंखुरी और मैं घर की सफाई जल्दी जल्दी करने लगी हूँ कि जितना जल्दी ये सब काम हो जाएगा उतनी जल्दी से नहा धो के खाना भी बन जाएगा। तो आज दोस्तों यहाँ पे छींटे मार दे रही हूँ कमरे में और देखिए खटोली की वजह से वहाँ पे खुद गया है, और क्योंकि लोहे की खटोली है ना वो थोड़ा नीचे से पैनी और पैनी होने के कारण वहाँ पे खुद जाता है। Thank you.
लोटी में खवा लिया पानी में लगेगी वो पानी के लिए डाल दो भैया की अभी खवा दिया दीदी हां ठीक है डल गया रोटी डल गया तो दोस्तों फाइनली हमारे यहाँ तो हल्की हल्की ठंडक आ चुकी है, लेकिन जब तक धरती की जो गर्मी है वो बाहर नहीं आएगी तब तक गर्मी और ज़्यादा रहेगी। लेकिन ये कि हमारे यहाँ बारिश हो गई है तो कम से कम उस लपट से तो शांति हम लोगों को मिल गई है। जो वो लपट दोपहर में चलती थी, रात में भी चलती थी, बस उससे शांति मिल गई है। ये है कि थोड़ा बहुत मौसम अब ठंडा रह रहा है तो अच्छा लग रहा है। और कल शाम को बारिश हुई थी, काफ़ी बारिश हुई है। वीडियो नहीं बनाया है मैंने क्योंकि लाइट हमारे यहाँ तुरंत ही चली जाती है। जैसे ही अगर पानी का एक भी बूंद पड़ गया ना तो आप समझ जाना कि आपके घर में लाइट नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम होता है, लाइट बिल्कुल ही चली जाती। कहीं कहीं तो रहती है लाइट, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं रहती। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बना पाई थी और रात के 9 बजे खाना बनाई थी क्योंकि रात में लाइट नहीं आई थी। वेट करते करते फिर बहुत लेट हो गया था, जब जाके 9 बजे खाना बनाया था मैंने। फिर इसके कारण मैंने फिर ब्लॉग भी नहीं बनाया, मन ही नहीं हुआ। थक गई थी मैं भी बहुत ज़्यादा। दोस्तों कल के दिन कमेंट आया था कि आपकी सासू माँ तो अच्छी हैं, आपकी ननद तो कुछ भी नहीं करवाती। लेकिन मेरी जो ननद है वो एक ही ननद है और ऊपर से मेरे से बड़ी हैं, मतलब कि आस्था के पापा से बड़ी हैं, तो उनका तो वैसे भी ऐसा कुछ फर्ज नहीं बनता है। और आप जो पूजा लक्ष्मी है वो मेरी खुद की ननद नहीं है, मतलब वो चाची चाचा की लड़की हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी ननद जैसा ही बिल्कुल ननद नहीं हूँ, तो मेरी फ्रेंड ही हैं, दोस्त है मेरी। तो वो मतलब काम नहीं करा रही, वो इधर रहती भी नहीं है, वो तो दिल्ली में रह रही हैं। तो बस ये है। और एक जो मेरी खुद की ननद है वो उनकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में ही रहती हैं और इसी कारण वो आपको दिखती भी नहीं है। तो कमरे की दोस्तों हो गई थी लिपाई और इतनी देर में आ गया है पार्सल। कुछ आस्था के पापा ने मंगवाया था वही पार्सल आया है। तो मैं देखिए पैसे ऐसे दे दे रही हूँ, पार्सल ले रही हूँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ गांव के बच्चे देख रहे हैं कि भाई ये कौन आ गया और इस सबके अंदर, इस डिब्बे के अंदर आखिरकार है क्या। बच्चे सब एक्साइटेड हो रहे हैं और मैंने इन सब के सामने खोल के भी दिखाया था। मैंने कहा तुम्हारे खाने पीने का कुछ भी नहीं आया है इसमें और ये ऐसे ये फालतू सा सामान आया है, तो ऐसे मैंने मतलब बच्चे को बोला। तो दोस्तों उसके बाद आ गए हैं बाहर की साफ़ सफाई करने। चूल्हे में हल्की सी राख थी तो वो भी उठा के मैंने भर दी है और चूल्हे की भी पुताई कर देंगे। पीली मिट्टी मैंने नई ले ली थी थोड़ी सी और उसके बाद अब चूल्हे को भी नए सिरे से पोत देंगे। और यहाँ का जो एरिया है, हम लोग बैठते उठते हैं तो यहाँ के एरिए में भी मतलब पूरा लिपाई कर दूँगी, साफ़ सफाई हो जाएगा। और इधर का मतलब अभी बहुत काम बाकी है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस देखिए ऐसा समय है कि इस समय में भी जैसे कोई होता हेल्प करवाने के लिए, तो आस्था बहुत छोटी है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हेल्प करवाती है। मैं कहती हूँ नहीं हो पाता है जब मुझसे तो उसे भी कहती हूँ, करवा देती है। लेकिन फिर भी अगर एक बड़ा आदमी मेरे घर में उपस्थित होता, वो तो उपस्थित नहीं हो पाएगा, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन एक सोचने वाली बात है तो सही रहता। आस्था के पापा सारे काम तो करा देते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन आज देखो ऐसा टाइम पड़ गया कि वो घर पे है ही नहीं और मुझे इतने सारे काम करने थे। तो दोस्तों यहाँ के सारे बर्तन ना मैंने सुबह ही धो के रख दिए थे और सजा भी दिए थे कुछ तो, और अब मैं यहाँ की सफाई कर दे रही हूँ। और दोस्तों ये जो झाड़ू है ये सिर्फ घर में ही लगाने वाली झाड़ू है, बाहर के लिए नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ इससे साफ़ कर दिया है। और अभी मेरे को पोछे से भी पोछना है
तो इसीलिए मैं जल्दीबाजी में कर दिया है मैंने साफ अभी। और चूल्हे को भी पोछ देंगे, जो हमारे चकला बेलन है इन सभी चीज़ों को भी धो धा के रखेंगे। मतलब झूठी चीज़ कुछ भी रहनी नहीं चाहिए ऐसा कहते हैं। कलसिया वगैरह जो हमारे हैं इन सभी को नए सिरे से धो के तब इनमें पानी भरा जाएगा। तो वही सब देखिए सारा सामान मैं यहाँ पे अरेंज करके रख रही हूँ। और ये है कि इससे घर भी थोड़ा सा अच्छा हो गया, सुंदर साफ सुथरा हो गया, सामान भी जहाँ के तहाँ लगा दिए हैं मैंने, और लिपाई हो जाएगी तो घर बिल्कुल चमक ही जाएगा। तो दोस्तों सारे सामान देखिए मैंने लगा दिया है, और जो थोड़ा बहुत है तो ये वो भी कर दूंगी, और पोछा भी देखिए मैंने लगा दिया, गैस वगैरह सभी चीज़ें साफ कर दी है। और आस्था ने ये जो दो डब्बे ऊपर रख दिए हैं ये आस्था ने रख दिए थे, तो लेकिन सही है कि एक तरफ गैस है और एक तरफ डब्बे भी हैं। तो दोस्तों ये अलमारी जब बनाई थी ना बड़ी बड़ी बना दी थी ताकि सारे सामान इन्हीं पर ही आ जाएँ और नीचे ना बिखरे रहें, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सामान नीचे पड़े रहते हैं। तो पानी छिटक के और गोबर बिल्कुल ढीला ढीला सा है, मतलब पानी ज़्यादा है, तो इसके कारण जल्दी जल्दी लिपाई हो जाएगी। अब देखिए फिर से यहाँ से अब सारा सामान हटाऊंगी और यहाँ पे पूरे किचन वाले एरिया में सफाई कर दूंगी। तो दोस्तों ये भी कमेंट आता है कि खुला खुला सा किचन है, लेकिन अभी देखिए इतने सारे काम थे, इस बीच में हमने यहाँ का काम बंद कर दिया था। आगे चल के अगर हमें लगेगा कि बीच से दीवार उठा देनी चाहिए, ज़्यादा है जगह दोनों मतलब कमरों के बीच में, तो उठा देंगे दीवार और किचन एक तरफ हो जाएगा, और जहाँ पे हम खटोली लगा के बैठते हैं वो एक तरफ हो जाएगा। तो मतलब दो कमरे बन जाएंगे और किचन फिर खुला खुला नहीं रहेगा, फिर तो किचन छोटा सा दिखने लगेगा दीवार उठ जाने के बाद, और तो और उसमें रोशनी भी नहीं रहेगी, कम रोशनी रहेगी। तो दोस्तों देखिए बस गीला गीला सा गोबर ले लिया है और यहाँ की भी पूरी सफाई हो गई है, सारा सामान हटा दिया है। आस्था भी आ चुकी हैं नहा के, और इधर का भी काम आखिरकार हो गया, बस लिपाई करनी है और खटोली वहाँ से हटा दूंगी और इधर लगा दूंगी। और दोस्तों इस तरीके से ऐसे पोछा लगा के अगर ज़मीन पे टाल करेंगे ना तो ज़मीन और भी ज़्यादा बराबर होती जाएगी, प्लेन सी दिखती जाएगी। तो दोस्तों फाइनली देखियो देखिए इतनी सफाई हो गई है, इतनी लिपाई हो गई है, अब थोड़ा सा यहाँ का बचा है, और बिल्कुल ही मैं थक गई हूँ, और आस्था के पापा है नहीं घर पे, सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है, उठाना उठाना। अंदर बोरियां भी रखी थी तो जैसे तैसे खिसकाई हैं, उठाई नहीं मैंने क्योंकि भारी के कारण फिर मेरा पेट दर्द होने लग जाता है। और अब थोड़ा ना बैठ लेती हूँ, बस इतना ही बचा है, हटो, इतना ही बचा है लिपने के लिए। देखिए बैठ गई हूँ मैं और बस फिर काम ख़त्म है, लेकिन ये भी है कि साफ़ सुथरा हो गया, सारा नए सिरे से हो गया, सारी चीज़ों को धो धा के मैंने लगा दिए जितना हो सका, जितनी मेहनत हो सकी। और जल्दी जल्दी अभी खाना पीना भी नहीं बना है, नहाऊंगी फिर यहाँ लीप के नहाना है, बाल्टी वगैरह भी धोया जाता है, सारे बर्तन पलट पलट के रखे जाते हैं, उसके बाद कचरा फेंक दिया जाता है, फिर आप नए सिरे से कचरा फेंकने के बाद आप नए सिरे से सब में पानी भर के नहाना धोना अपना कर सकते हैं। और कचरा फेंकने जब हम जाएंगे बाहर
बाहर से ही मतलब सिर से पानी डाल के शुद्ध होके तब हम अंदर आएंगे, जब जाके हमारा घर जो होगा वो सही मायने में शुद्ध होगा। तो इतना प्रोसेस है क्योंकि दोस्तों पूरा घर आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, लिपाई हो गई है, आस्था यहाँ पे बैठी है, और आस्था भी देखिए नहाना धोना हो गया। दिखा शकल, दिखा लूटे। यहाँ पे देखिए सारा सेट है, सामान वगैरह। यहाँ पे चूल्हा भी फूट गया है। और अंदर आपको ले चलते हैं, अंदर तो अभी लाइट नहीं है, हवा चल रही है क्योंकि बारिश हुई थी कल, और ये लाइट यहाँ पे जल रही है इसके कारण। तो अभी देखिए बिल्कुल सारी चीज़ें शांत है। यहाँ पे मैंने खटोली वगैरह नहीं बिछाई हैं, और पर्दा लगा देते, पर्दा नहीं लगाया तो अच्छा नहीं लगता। लीजिए देख लीजिए, दोनों तरफ बिल्कुल ही क्लीन है घर। आज तो क्लीन है, कल के दिन फिर जैसे का तैसा ही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सारे काम होने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा सा नहाने, थोड़ा सा यानी कि 2-3 मग्गा पानी डाल के फिर अंदर जाके नहा लूँगी। और यहीं पे देखिए बाहर नल पे सारी औरतें, गांव की औरतें नहा, गांव की औरतें नहीं, जो हमारे रिश्तेदार परिवार में हैं वो सभी औरतें यहाँ पे आई हैं और नहा रही हैं। तो दोस्तों बाहर से नहा के आ गई हूँ, लेकिन घर में अभी पानी नहीं है, सारे बर्तन क्योंकि पलट के और उसके बाद बाहर चली गई थी। अब नए सिरे से सारे में मतलब साफ पानी भर के उसके बाद अब मैं यहाँ पे नहा लूँगी, और नहाने के बाद अब उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना पीना। तो सारे बर्तन यहाँ पे लगा दे रही हूँ, पाइप बाहर नल की तरफ लग रखा था इसके कारण मैं रुकी हुई थी यहाँ पे, क्योंकि सारी औरतें नहा रही थी तो उन्होंने बोला कि आप थोड़े देर के लिए पाइप बाहर कर दो, तो मैंने बाहर कर दिया था, वो सारी औरतें नहा रही थी, अब वो नहा लें पहले। तो दोस्तों यहाँ पे नहाना धोना हो गया है, और उसके बाद देखिए आज बनाई थी मैंने तिहरी, तो ये वाली कटोरी वाली मेरी है, आस्था अपना खा रही है, और आस्था के पापा भी गए थोड़े देर में, मतलब खाना परसा रखा था और वो चले गए कहीं, तो आ रहे हैं तो खा रहे, कह रहे ठंडा होने दो जब तक, तो अभी ठंडा हो रहा है और हम अब खा लेते हैं खाना। और टाइम आपको बताते हैं, 2:11 हो गए अभी टाइम, तो बस
खा लेते हैं। नाश्ता वगैरह तो सुबह कर लिया था। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।